आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। आज का हमारा डाउट है कि हम कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज करें इन ऑर्डर टू गेट दिस प्रोडक्ट। अगर हम यूज करते हैं अल्कोहलिक KOH, तो इस रिएक्शन को करने के से पहले हम चीज को समझ लेते हैं कि अगर हम क्या लेते हैं, इथेनॉल लेते हैं यानी CH3CH2OH को अंदर अगर हम क्या करते हैं, KOH डालते हैं, तो बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ से माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर बेस के, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो बेसिकली क्योंकि हमारा इथेनॉल का ये OH पोलैरिटी की वजह से एसिडिक होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता है और हमें क्या प्रोड्यूस करता है, CH3CH2- प्लस के प्लस देता है और प्लस हमें H2O रिलीज हो जाता है। बेसिकली ये वाला जो आयंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड आयन बोलते हैं। और ये आयन क्या होता है, बहुत बेसिक होता है, तो दिस इज यूज्ड एज बेस। तो अब क्या करें, अगर हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लें तो ये क्या करता है, वहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, रिमूव कर देता है, वहाँ से हैलोजन को लीव करा देता है और लीव कराने के बाद हमें एल्कीन मिलता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि जो अल्काइल हैलाइड हम यूज करने वाले हैं उसके अंदर भी 5 कार्बन एटम होने चाहिए। तो लेट्स से हम क्या करते हैं, एक 5 कार्बन एटम का अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2CH2CH, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये CH2NCl। जैसे हमने कोई ये एक अल्काइल हैलाइड यूज किया और इसके अंदर हमने क्या डाला है, ये अल्कोहलिक KOH अगर हम डाल देते हैं तो आपको पता ही है, अभी जैसे मैंने बताया है ऊपर के अल्कोहलिक KOH क्या करता है, बिहेव करता है एज अ बेस की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें इथॉक्साइड ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। तो ये इथॉक्साइड आयन करता क्या है, बेसिकली जब ये रिएक्शन में होता है तो CH3CH2O- ये O- क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जब ये यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है तो हमें प्रोड्यूस होता है CH3CH2CH2CH। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि यहाँ से एक प्रोटॉन चला गया है और यहाँ पे CH2NCl यहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ। तो बेसिकली अब क्या होगा कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डेवलप हो गई है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, यहाँ से ये बैक ऑफ होगी, बैक ऑफ होने के बाद इस हैलोजन को यहाँ से लीव कराएगा। जैसे ही इसको हैलोजन को लीव कराएगा और हमें क्या प्रोड्यूस होगा, हमें एल्कीन प्रोड्यूस होगा। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोड्यूस हुआ। तो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, हमने स्टार्ट किया विद दिस हेलो एल्केन, यानी हमने शुरू करा यहाँ से 1-chloropentane से रिएक्ट शुरू किया और हमें क्या बाद में प्रोड्यूस हुआ है, ये एल्कीन प्रोड्यूस हुई। और वो यही पूछ रहा था कि अब क्वेश्चन के अंदर के बताओ कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे ताकि हमें ये दिस पर्टिकुलर कंपाउंड प्रोड्यूस हो, ये कंपाउंड हमें प्रोड्यूस हो। तो बेसिकली हम क्या, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज वन क्लोरो एंड दिस इज कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो दिस इज पेंटेन। तो 5 कार्बन है तो पेंटेन। तो अगर हम क्या करें, 1-chloropentane यूज करें तो हमें क्या मिलता है, पेंटीन प्रोड्यूस होता है। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।